नमस्कार। बड़े भाई ने छोटे भाई का किया मर्डर। मामला कल रात करीब 11 बजे का है। मर्डर करने के बाद आरोपी जो है वो फरार है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि लहर सिंह ने अपने छोटे भाई चमेल सिंह, जिसकी उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र गीका निवासी साड़ी तहसील बमाग जिला रियासी का मर्डर कर दिया। और कारण क्या था ये आपको बता दें कि कल रात 11 बजे के करीब दोनों ने शराब पी हुई थी और इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और इसी दौरान लहर सिंह, जो कि बड़ा भाई है, ने अपने छोटे भाई चमेल सिंह का बेरहमी से चाकू के साथ मर्डर कर दिया और उसके बाद से ही लहर सिंह जो है वो फरार चल रहा है। पुलिस के पास इसकी सूचना पहुंची और फिर आज सुबह आपको बता दें कि डीएसपी रियासी और एसएचओ रियासी, क्योंकि ये जो पुलिस स्टेशन है, ये जो इलाका है, ये पुलिस स्टेशन रियासी के अंतर्गत आता है। डीएसपी रियासी और एसएचओ रियासी जो हैं वो आज सुबह से ही मौके पर थे और पूरी जाँच इस मामले की उनके द्वारा की जा रही थी। और अब जो है शव पोस्टमार्टम के लिए कुछ देर पहले जो है करीब 1-1.5 घंटा पहले जो है जिला अस्पताल रियासी पहुंचा था, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। महत्वपूर्ण बात एक और है कि लहर सिंह, जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने छोटे भाई का मर्डर किया है, ये पहले भी मर्डर केस में इन्वॉल्व रहा है और कई सालों तक सजा भी भुगती है, कई सालों तक जेल में भी रहा है। यानी कि ये दूसरा मामला है लहर सिंह पर और लहर सिंह की तलाश जो है डीएसपी रियासी और एसएचओ से जो हमारी बात हुई है, पुलिस से जो हमारी बात हुई है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। और एक बार फिर आपको बता दें कि बड़े भाई ने, जिसका नाम लहर सिंह है, ने छोटे भाई चमेल सिंह, जिसकी उम्र 31 वर्ष है, का बेरहमी के साथ कल रात करीब 11 बजे मर्डर कर दिया। चाकू के साथ बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। बड़ा ही दुखद ये समाचार है। ये मामला आपको बता दें कि रियासी ज़िले की बमाग तहसील के साड़ी इलाके का है। यहाँ पर कल रात 11 बजे दोनों भाइयों ने शराब पी हुई थी और इसी दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई और बड़े भाई लहर सिंह ने अपने ही छोटे भाई चमेल सिंह को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।